हरियाणा सरकार की बड़ी योजना मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना है ये। इसमें आपको 5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। क्या है पूरी योजना देखिए इस वीडियो में। हरियाणा सरकार की नई योजना है मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। प्रगतिशील किसानों को 5 लाख रुपए से 10,000 रुपए तक पुरस्कार मिलता है। इसमें पूरी योजना देख लेते हैं एक बार। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत देखिए क्या है ये। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में योगदान के लिए कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में बढ़ती आय से सर्वश्रेष्ठ कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रगतिशील किसानों को प्रेरित करना है इस योजना के तहत। ठीक है, प्रगतिशील किसानों की पहचान तथा उन्हें सम्मानित करने से स्थायी कृषि लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा साथ ही किसानों को सर्वोत्तम कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इस योजना के तहत चयनित किसानों को कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए नगद इनाम पुरस्कार प्रदान करके सुविधा प्रदान की जाएगी। किसानों को विभिन्न कृषि फसलों की उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के साथ साथ नई तकनीकों जैसे पानी की बचत, फसल अवशेष प्रबंधन, टिकाऊ कृषि, जैविक खेती और एकीकृत कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए उनके योगदान के लिए प्रेरित करने के लिए किसानों को नगद इनाम और पुरस्कार वार्षिक आधार पर किसानों को दिया जाएगा। इनाम कितना मिलेगा देखिए। 10 एकड़ भूमि रखने वाले किसानों के लिए लागू क्या क्या है। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार है जो वो एक मिलेगा, 5 लाख रुपये इसकी राशि होगी। द्वितीय पुरस्कार 2 मिलेंगे, 3-3 लाख रुपये उनको मिलेंगे द्वितीय जो पुरस्कार होगा। तृतीय पुरस्कार है जो वो 5 मिलेंगे, उनमें 1-1 लाख रुपये 5 को दिए जाएंगे। ये राज्य स्तर के पुरस्कार थे। अब जिला स्तर पर पुरस्कार है जो सांत्वना पुरस्कार है वो 88 पुरस्कार मिलेंगे, जिसमें 50,000 रुपये 1 को मिलेंगे। यानी कि टोटल इस योजना पर 60 लाख रुपये का खर्च है। यानी कि 60 लाख रुपये के इनाम इस योजना में दिए जाएंगे। 5 से 10 एकड़ से भूमि वाले किसानों के लिए लागू क्या है देखिए। जो 5 से 10 एकड़ भूमि रखते हैं प्रत्येक जिले के 4 किसानों को 50,000 रुपये प्रति पुरस्कार दिया जाएगा। कुल पुरस्कारों की संख्या 88 होगी। अच्छा, जो 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसान हैं उनके लिए क्या लागू रहेगा। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है वे कृषि एवं बागवानी में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं वे भी प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। उन्हें 10,000 रुपये प्रति एकड़ और अधिकतम 50,000 रुपये प्रति किसान की धनराशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इस श्रेणी में पुरस्कारों की कुल संख्या का निर्णय तय किया जाना भी बाकी है। चयनित मानदंड क्या है देखिए। किसानों को कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में उपलब्धि के साथ साथ नवीनतम तकनीक अपनाने के आधार पर चुना जाएगा। पुरस्कृत किए जाने वाले किसानों का चयन निम्न अनुसार अंक प्रणाली द्वारा किया जाएगा। फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्रमुख फसलों में उत्पादकता है जो अधिकतम 10 अंक मिलेंगे। जैविक खेती कर रहे हैं जो उनको 10 अंक अधिकतम। फसल विविधीकरण पर 10 अंक, सूक्ष्म सिंचाई पर 10 अंक, फसल अवशेष प्रबंधन पर 5 अंक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर पोषक तत्व प्रबंधन 5 अंक, बागवानी और सब्जियां 10 अंक, पशुपालन पर 10 अंक, मत्स्य पालन पर 10 अंक, प्रौद्योगिक एवं मूल्य सर्वधन 10 अंक, अतिरिक्त सामान्य गतिविधि के लिए भी 10 अंक। नगद पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील किसानों की भागीदारी के लिए प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खरीफ सीजन के साथ साथ रबी में भी योजना का उचित रूप से विज्ञापन किया जाएगा। इच्छुक किसान संबंधित पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएंगे। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया विज्ञापनों के माध्यम से उल्लेखित की जाएगी। कृषि तथा संबंधित विभागों के जिला अधिकारी भी अपने स्तर पर योजना का विस्तार करेंगे। जिला स्तर पर जो चयनित समिति होगी उसमें अध्यक्ष होगा उपायुक्त, सदस्य होंगे उप निदेशक पशुपालन, जिला बागवानी अधिकारी, जिला मत्स्य अधिकारी, समन्वयक कृषि विज्ञान केंद्र
और सदस्य सचिव है जो उप कृषि निदेशक। कृषि तथा संबंधित क्षेत्र के 4 प्रगतिशील किसानों को उपायुक्त द्वारा नामित किया जाएगा। ये प्रगतिशील किसान प्रतिस्पर्धा का हिस्सा नहीं होंगे। राज्य के सभी प्रगतिशील किसानों की पहचान की जाएगी तथा उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि वे 10 और साथी किसानों को कृषि की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों के बारे में शिक्षित करेंगे और एक प्रगतिशील किसान बनाएंगे। इसी तरह ये नए प्रशिक्षित प्रगतिशील किसान इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तथा 10 और साथी किसानों को प्रशिक्षित करेंगे और उन्हें प्रगतिशील किसान के रूप में बदल देंगे। प्रगतिशील किसान बनने की यह प्रक्रिया साल दर साल जारी रहेगी। ऐसे किसान जिन्होंने अपने साथी किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए शिक्षित किया है उनकी पहचान की जाएगी तथा उनकी रुचि एवं सेवाओं के आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य क्षेत्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किसानों की सूची राज्य क्षेत्रीय समिति को भेजी जाएगी। राज्य क्षेत्रीय समिति की संरचना निम्नानुसार होगी। उसमें अध्यक्ष कौन होगा? महानिदेशक कृषि तथा किसान कल्याण विभाग। सदस्य कौन होंगे? महानिदेशक बागवानी, महानिदेशक पशुपालन विभाग, निदेशक मत्स्य पालन और सदस्य सचिव होंगे अतिरिक्त निदेशक। उपरोक्त उल्लेखित खर्चों के लिए बजट का प्रावधान किसान कल्याण प्राधिकरण से उपलब्ध करवा लिया जाए। तो यह पूरा नोटिफिकेशन था इस योजना का। तो यहां आपको राशि का भी पता चल गया है, प्रथम राशि, द्वितीय राशि, तृतीय राशि, कितने कितने की राशि मिलेगी इस पुरस्कार में। और इसके विज्ञापन अभी इसका रजिस्ट्रेशन अभी जारी नहीं किया गया है। जब इसका रजिस्ट्रेशन होगा तो विज्ञापनों द्वारा उसकी सूची दी जाएगी कि कब से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। तो आज की वीडियो में बस आपको यही शेयर करना था कि हरियाणा सरकार ने इस तरह से योजना लागू की है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आज की यह वीडियो देखने के लिए।